हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर को लेकर ICDS विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिस लेटर में आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि इस लेटर में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं पोषण ट्रैकर को लेकर, कि अब आपके पोषण ट्रैकर में जितने लाभुक हैं उसी के हिसाब से आपको पोषाहार देने की बात कही जा रही है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस लेटर में जो जो जानकारी दी गई है आपको क्लियर समझाने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 19/8/2021 को ये लेटर जारी किया गया है, जिसकी संचिका संख्या है 4154। और इस लेटर को जारी करने वाले हैं नोडल पदाधिकारी पोषण अभियान और ICDS निदेशालय बिहार पटना। ये लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जारी किया गया है। आइए इस लेटर का विषय देख लेते हैं। तो इस लेटर का विषय दिया गया है जैसे कि पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर सेविकाओं के द्वारा सभी मॉड्यूल पर आंकड़ों की प्रविष्टि करने के संबंध में, यानी आप लोग पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो सभी मॉड्यूल दिए गए हैं उनमें अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों को 100% जोड़ लेना है। इसके लिए पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी कई बार निर्देश जारी कर दिए गए थे कि आपको 100% लाभुकों को जोड़ लेना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेटर में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को, देखिए यहाँ पे अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को जोड़ते हुए सेवाएं प्रदान की जानी है। यानी कि आपके पोषक क्षेत्र में जितने भी लाभुक लाभ लेने वाले हैं उनको जोड़कर सेवाएं प्रदान की जानी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के आलोक में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड किए गए लाभुकों यथा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरावस्था वाले लड़के लड़कियां एवं अनाथ बच्चों की विवरणी के अनुसार ही भारत सरकार से SNP पूरक पोषाहार एवं आंगनबाड़ी सेवाओं हेतु राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में लाभुक ऐड किए हैं, चाहे वो 0 से 3 साल के बच्चे हों, गर्भवती महिला हो, स्तनपान कराने वाली माता हो, या फिर जितने भी मॉड्यूल दिए गए हैं उनमें अपने लाभुकों को जोड़ना है और उनके हिसाब से ही आपको यहाँ पे राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, भारत सरकार की ओर से पूरक पोषाहार एवं आंगनबाड़ी सेवाओं की राशि प्राप्त होगी। जो आपने विवरणी अपने पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड की है उसी के हिसाब से पोषाहार की राशि आप लोगों को प्राप्त होगी। इस क्रम में आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर डाटा जोड़ा जाना है। इस कार्य को ससमय पूर्ण करने हेतु CSC VLE के माध्यम से भी सभी सेविकाओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। तो लेटर में बताया जा रहा है कि CSC VLE के माध्यम से कुछ महीनों पहले पोषण ट्रैकर ऐप की ट्रेनिंग दी गई थी, जो सेविकाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया था कि किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में लाभुक को जोड़ना है, लाभुक का एंट्री कैसे करना है, कितने लाभुक को इसमें जोड़ा जाना है। इसकी ट्रेनिंग CSC VLE के माध्यम से दिया गया था। आप लोगों को जब CSC VLE की ट्रेनिंग दी जा रही थी तो क्या आप लोगों को पूरा ट्रेनिंग के माध्यम से समझा दिया गया था कि आपको किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में काम करना है? मेरा माने तो यहाँ पे सभी सेविकाओं को CSC VLE के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया होगा। वो लोग जो सेविकाएं हैं वो YouTube पर वीडियो देख देख के ही सारी चीज़ों को समझ पाई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि सेविकाओं द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नियमानुसार सभी मॉड्यूल पर कार्य कराते हुए 100% आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्वयं एवं परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित अनुसरण एवं समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी अपने पोषक क्षेत्र लाभुक है उन सभी लाभुकों को 100% एंट्री कर लिया होगा। तो वीडियो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।